कांग्रेस ने जिस तरह करारी मात दी थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि प्रदेश में बीजेपी का जल्द उभरना शायद मुश्किल होगा। वहीं इसके बाद चित्रकोट और दंतेवाड़ा सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी को कांग्रेस ने ना सिर्फ हराया बल्कि चित्रकोट जो मुख्य चुनाव में बीजेपी के कब्जे में थी और भीमा मंडावी की नक्सली हमले में मौत के बाद खाली हुई थी वहां भी कांग्रेस ने जीत के साथ अपना ध्वज लहरा दिया। इन सबके बीच भूपेश सरकार ने जब इसी साल 17 दिसंबर को अपने एक साल का कार्यकाल पूरा किया तो कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही अपने एक साल की तुलना बीजेपी के 15 साल से करते हुए विपक्ष की नाकामियां गिनाई। वहीं निकाय के दर से पहले बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकार की एक सीडी जारी की जिसमें उसके तमाम वादों को हवा हवाई बताया गया, जनता से वादा खिलाफी की बात कही गई। खैर दोनों प्रमुख दलों में आर पार की इस जंग के बीच 21 दिसंबर को निकाय चुनाव संपन्न हुआ। वहीं अब नतीजे भी सामने आ गए हैं जिसमें कांग्रेस निश्चित तौर पर बीजेपी पर भारी पड़ी है लेकिन आंकड़े उतने दमदार नहीं हैं। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि एक और चुनावी रण में कांग्रेस ने बीजेपी को फिर धूल चिटा दी। कई नगर निगमों, नगर पालिका, नगर पंचायत में बीजेपी ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है जो इस बात को साफ कर रहा है कि जनता के मन में अभी भी कहीं ना कहीं रमन सिंह बसे हुए हैं। बहरहाल सही मायनों में निकाय चुनाव किसके नाम रहा आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे शहर का सर्कस में तो छत्तीसगढ़ में कुल 151 नगरीय निकाय हैं। इसमें 10 नगर निगम, 38 नगर पालिका और 103 नगर पंचायत में 21 दिसंबर को जो चुनाव हुए वो उसमें औसतन 78.73% मतदान हुआ था। मतदान प्रतिशत जिस तरह का रहा उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि निकाय के रण में कांग्रेस को शायद बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। वहीं आज जब नतीजे आए तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। कांग्रेस के शासन में बीजेपी सेंधमारी करने में भले ही नाकाम रही लेकिन कई नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायत में उसका जो प्रदर्शन रहा उसने ये साबित कर दिया कि भूपेश बघेल के शासन में भी रमन सरकार के कामकाज को जनता भूल नहीं पाई है। बहरहाल शहर की सर्कस पर चर्चा का दौर शुरू करें उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में शहर का सर्कस, कांग्रेस नहीं कर सकी कमाल। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी ने दिखाया दमखम। बड़ा सवाल, सही मायनों में निकाय का रण रहा किसके नाम? छत्तीसगढ़ में निकाय के नतीजे घोषित होने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो इस बात को साफ कर रही है कि शहर के संग्राम में बीजेपी उतनी बेदम नहीं रही जितने की कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे थे। प्रदेश के 10 नगर निगम में बीजेपी ने कांग्रेस को टक्कर दी है। दुर्ग और चिरमिरी को छोड़ दें तो किसी भी निगम में सत्ता पक्ष का दबदबा नहीं रहा जबकि बिलासपुर में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई है। इसके अलावा रायपुर, रायगढ़, धमतरी और राजनांदगांव में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला बराबरी का रहा है। राज्य के 10 नगर निगमों की ही तरह 38 नगर परिषद और 103 नगर पंचायतों में भी कांग्रेस को बीजेपी ने जोरदार टक्कर दी। बेशक नतीजों में कांग्रेस का कब्जा ज्यादा वार्डों में रहा लेकिन बीजेपी उससे उतनी भी पीछे नहीं रही जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे। दरअसल विधानसभा चुनाव 2018 में करारी हार और इस साल दो सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली मात के बाद लग रहा था कि कांग्रेस का जादू जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है लेकिन अब जब निकाय के नतीजे सामने आए तो ये बीजेपी की उन बातों को बल दे रही है जिसमें वो ऐसा कहती रही है कि हम फिर उठकर खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। शहर इस सर्कस से तो साफ हो गया है कि जनता के दिल में बीजेपी की जगह अभी भी बरकरार है। खैर अब देखना होगा कि जहां निर्दलीय प्रत्याशियों की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला बराबरी का रहा वहां ये स्वतंत्र उम्मीदवार किसके साथ होकर शहर में सरकार बनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ में शहर का सर्कस कैसा रहा चलिए अब इस पर बहस शुरू करते हैं जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता श्री चंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल जी है। बघेल जी आपका बहुत स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अवधेश पांडे जी। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
अवधेश जी, पहले आप ही के पास आऊंगा और एक छोटा सा सवाल यही है कि जो आज जिस तरह के नतीजे आए हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस नतीजों में बीजेपी से आगे रही है, नतीजे जो है कांग्रेस के फेवर में आए हैं, लेकिन क्या जो जिस तरह से बीजेपी ने दमखम दिखाया है, पूरी तरह से घुटने नहीं टेके, तो क्या मानते हैं कि प्रदेश में ये बीजेपी की वापसी के संकेत हैं? देखिए सोभित जी, रिजल्ट जो भी अभी आ रहे हैं, कुछ तो आ चुके हैं, कुछ आने हैं जी, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस चूंकि एक साल से सरकार में है, सत्ता में आई है और बहुत बहुमत के साथ सरकार में आई थी, 68 सीट जीती थी, तो उम्मीद भी उसी हिसाब से चल रही थी, लेकिन चूंकि 3 महीने अभी लोकसभा चुनाव का था जी, तो कुल मिला के 7 महीने सरकार ने काम किया है और 7 महीने के आकलन के हिसाब से जनता ने अपनी सरकार चुनी, जो शहर सरकार चुनी है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उसके हिसाब से अभी तक जो रुझान है और जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, तो कांग्रेस अपने आप में तो खुश है कि चूंकि उनके पास पिछले बार 4 मेयर थे लेकिन परिषद कहीं नहीं थी उनके पास, 11 के 11 नगर निगम अगर आप देखें तो चूंकि मेयर तो 4 हो गए थे, चूंकि इस बार अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ है, पिछले बार प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ था, तो चूंकि 4 कांग्रेस के पास थे, 4 बीजेपी के पास थे, 2 अन्य थे जिसमें एक रायगढ़ से किन्नर भी जीते थे, तो मेरा सिर्फ मानना यह है कि अगर कांग्रेस को जो मत मिले हैं अभी, बिल्कुल आपके जो आपने रिपोर्ट दिखाई उसमें उत्साहजनक है कांग्रेस के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मान सकते हम, ठीक है, क्योंकि क्या है सब जगह अगर, चूंकि बीजेपी का यही था कि अगर आपको चुनाव करवाना था तो जो पहले प्रणाली होती थी कि मेयर का चुनाव अलग होता था और पार्षद अलग चुने जाते थे, लेकिन इस बार चूंकि आप पार्षद मेयर को चुनेंगे तो उस हिसाब से तो ये है कि कांग्रेस अपने आप में कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई दिख रही है, क्योंकि मेरे को जहां तक पता है कि बिलासपुर को अगर छोड़ दें, बिलासपुर में शायद 34 और 33 का मुकाबला चल रहा, बाकी जगह पे कांग्रेस मतलब या चिरमिरी के आसपास मतलब उसमें 21-20 का है, बाकी जगह कांग्रेस की अपनी मतलब पार्षद ज्यादा है और जहां नहीं भी है तो निर्दलीय है, क्योंकि सरकार उनकी है तो उनको सरकार बनाने में या मेयर बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अभी आगे और जो भी रिजल्ट बाकी, जैसे अभी मैंने देखा कि जो नगर पंचायतों के चुनाव उसमें भी 1200 या 1300 वार्डों पे बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस आगे चल रही है और 900 या 1000 के आसपास बीजेपी चल रही है। सुंदरानी जी को शायद ये पता होगा नहीं पता होगा कि रमन सिंह के वार्ड से मतलब जहां रमन सिंह जी जहां चुनाव तो वहां से बीजेपी हारी है, तो ये थोड़ा सेटबैक है, बट ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं बिल्कुल बीजेपी धरातल पे चली गई है, बीजेपी ने अच्छा तप दिया है, अच्छी फाइट दी है, जिस हिसाब से इनको 68 सीटें मिली थी उसके हिसाब से तो अभी मुझे लग रहा है फिलहाल कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई बीजेपी। सुंदरानी जी का या राकेश जी का रुख करूं, इससे पहले मैं मनोज सिंह बघेल जो हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक है स्वराज एक्सप्रेस के, उनके पास जाते हैं, उनसे मेरा एक ये सवाल छोटा सा है कि जिस तरह के जो नतीजे सामने आए हैं, बघेल जी आपको क्या लगता है ये बीजेपी को कितनी आगे चल के मजबूती प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि अभी भूपेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल ही महज पूरा हुआ है, 4 साल और बचा है, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन फिलहाल जिस तौर पर विधानसभा चुनाव में जो नतीजे रहे थे, उसके बाद उपचुनाव हुआ, कांग्रेस ने फिर बीजेपी को पटकनी दी, वहीं आप निकाय के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया है और जो प्रचार के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने जो है पूरी ताकत झोंकी और तमाम जो है बड़े नेता, शीर्ष नेता जो है छत्तीसगढ़ बीजेपी के, उन्होंने मोर्चा संभाला, तो क्या लगता है कि बीजेपी जो है धीरे धीरे फिर से फॉर्म में आ रही है, फिर से जो है वो उभर कर और एक मजबूत विपक्ष बनेगा और आगे चलकर जो अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो है कांग्रेस को टफ चुनौती मिलेगी, क्या लगता है बघेल जी आपको? लग रहा है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अवधेश जी आप ही के पास आएंगे, सवाल का जवाब आप ही अगर दे दे। देखिए सोभित जी, ऐसा है कि अभी चूंकि चुनाव 1 साल हुए हैं, अभी 4 साल बाद चुनाव होना है, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका का असर अभी 4 साल, अभी जो जब ये गठित होंगे, गठन के बाद ये जब कार्य करेंगे उसके बाद इनका टाइम आएगा कि क्या कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, अभी उसकी बात नहीं है। अब चूंकि लोकसभा का भी चुनाव खत्म हो चुका है और विधानसभा का भी खत्म हो चुका है, चूंकि एक ये चुनाव था, बाकी अब आगे मंडी का और ये सारी चीज चुनाव चलते रहेंगे, तो चुनाव का असर नहीं है। मेन चीज ये कि जनता के पास जिस मुद्दे को लेकर जो जनता अपना वोट देती है, नगर निगम से उसका काम हो, नगर पंचायत से काम हो, नगरी जो भी बाकी अपने निकाय जो भी चुनाव होते हैं, तो उसमें से जनता की अपनी छोटी छोटी भावनाएं होती हैं, कहीं सड़क बननी होती है, कहीं नाली का काम है, कहीं कुछ है, तो उसके लेवल पे
क्योंकि अगर एक विपक्ष मजबूत होगा जिसमें संख्या बल जहां लग रहा है कि जैसे बिलासपुर की मैं बात कर रहा हूं कि ठीक है 33 पार्षद कांग्रेस के और 34 है तो ठीक है भले कांग्रेस अपना पार्षद मेयर बना ले लेकिन वहां पे काम पे विपक्ष अपना दखल करेगा कि नहीं ये काम होना चाहिए तो वहां पे उनको सुनना पड़ेगा। अगर विपक्ष बहुत कमजोर हो जाता है तो फिर मनमानी होती जाती है। जैसे कि अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ में कि 68 और 12 या 13 बीजेपी के साथ विधायक हैं तो वहां पे विपक्ष बहुत कमजोर हो गया। पर इससे ये साबित हो रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं, जो 15 साल बीजेपी ने काम किया है उसका कुछ अभी असर है जमीन पे। ऐसा नहीं है बिल्कुल आप नकार नहीं सकते हैं कि नहीं बिल्कुल कांग्रेस ने एक तरफा स्विंग कर गई। कांग्रेस ने कोशिश की है क्योंकि 7 महीने काम है, बट बीजेपी को और अभी मेहनत करने की जरूरत है और कांग्रेस को भी मेहनत करने की जरूरत है ताकि उसका ये जनाधार बचा रहे। चलिए छत्तीसगढ़ से वापस संपर्क जुड़ गया है और हम छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल जी से एक छोटा सा सवाल है कि जो आज जो नतीजे आए हैं, जो अब तक के जो रुझान नतीजों में कन्वर्ट हुए हैं, बघेल जी उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कांग्रेस का कमाल नजर आ रहा है या बीजेपी का दमखम आपको दिखा है? देखिए कुल मिला के जो रुझान आए हैं और कुछ जगहों के नतीजे आए हैं उससे ये बात तो है कि भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। 10 नगर निगम में जहां पे चुनाव हुए हैं और जिसके नतीजे आए हैं, 10 में से केवल 4 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अंबिकापुर, जगदलपुर, दुर्ग और रायगढ़, ये 4 नगर निगमों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। बाकी 6 नगर निगमों में बहुत कांटे की टक्कर है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, बल्कि बिलासपुर में भाजपा जो है बड़े दल के रूप में उभर कर सामने है। तो निश्चित तौर पर जो बड़े शहर हैं वहां पर भाजपा ने जो पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो हर जगह से जो है भाजपा पिछड़ी हुई थी, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में अब फाइट पर आई है। बहुत सारे नगर पंचायत में जो है उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, नगर पालिकाओं में भी कुछ नगर पालिकाओं में अच्छा है। तो कुल मिलाकर भाजपा को इस जो नतीजे हैं उससे जरूर संतोष होगा। जी राकेश जी आपके पास आना चाहूंगा, पहले तो आपको बधाई हो कि ठीक है बहुत बड़े अंतर से ना सही लेकिन आपने जो है बीजेपी को पछाड़ तो दिया है, लेकिन जिस तरह की आपकी ओर से दावे होते रहे, धन्यवाद, आप बार बार हर मंच से ये बात कहते रहे या टीवी डिबेट शो की आप पूरी तरह से जो है बीजेपी को आपने विफल बताया, 15 साल की उनकी ना तमाम नाकामियां गिनाई और जिस तरह से चुनाव लड़ा, कहा बंपर जीत होगी, लेकिन अब जो नतीजे जो रुझान जो नतीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं बदल रहे हैं उसके आधार पे मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस ने कोई बहुत ज्यादा कमाल कर दिया हो इस जो नतीजे हैं फिलहाल। राकेश जी कहां कमी रह गई आखिर? देखिए इससे पहले रायपुर छोड़कर बाकी जगह में तो भाजपा का ही मेयर था। अब देखिए टक्कर जो रहती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 1-1.5% की रहती है, पुराने पिछले विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए या अभी के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए, दोनों दलों में कांटे की टक्कर है। इस बार ये देखने में आया कि कोई तीसरा दल नहीं है, आमने सामने की टक्कर रही, लेकिन फिर भी 10 नगर निगम में कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई और मुझे लगता है कि जो निर्दलीय हैं उनकी संख्या यदि कहीं ज्यादा होगी तो वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे और सभी नगर निगमों में कांग्रेस का मेयर बनेगा। जो निर्दलीय है वो आगे चल रहे हैं क्या, उनसे अभी से आपने संपर्क साध लिया है कि वो कांग्रेस के साथ ही आएंगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? देखिए ये तो राजनीति का हिस्सा होता है, सभी दल कोशिश करते हैं कि निर्दलीय उनके तरफ आ जाएं और ये नियम है प्रकृति का कि जिस सरकार की सत्ता होती है, जिस पार्टी की सत्ता होती है, निर्दलीय चाहता है कि उसका काम होता रहे और वो सत्ताधारी दल के साथ रहे, ये बहुत सामान्य सा प्राकृतिक नियम है और इसको सभी राजनीतिक दल बहुत अच्छे से समझते हैं। यदि उनको काम कराना है तो सत्ताधारी दल का समर्थन लेके रहना पड़ेगा ताकि कम से कम उनके काम होते रहे, और हम चाहेंगे कि निर्दलीयों के साथ सामंजस्य रहे और हमारे मेयर बने ताकि आगे राज्य सरकार के साथ सामंजस्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। राकेश जी एक सवाल ये है कि दुर्ग और चिरमिरी को छोड़ दें, यहाँ पे आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, आपकी जो है ज्यादा प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, लेकिन बाकी जगह पर आप देख ले तो बहुत बीजेपी ने आपको कड़ी टक्कर दी है और बिलासपुर में तो बीजेपी आपसे आगे ही रही है अभी तक जो रुझान नतीजों में कन्वर्ट हुए हैं, तो
क्या लगता है आपको कि कमी कहाँ रह गई, कहाँ चूक हो गई, क्या जो आपका एक साल का कार्यकाल है वो जनता के मन में उस तरह से रच बस नहीं पाया जो रमन सिंह की जो छवि जनता के बीच में बनी हुई है, या जो उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं वो अभी भी जनता उनको भुला नहीं पाई है, तो आपको और वक्त लगेगा जनता के मन में बसने के लिए? आखिर क्या लगता है कहाँ कमी है अभी फिलहाल, जिस तरह की जो नतीजे बहुत टफ जो है आपको, देखिए सबसे पहली बात तो कड़ी टक्कर दी है आपको बीजेपी ने? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि नगर निगम और स्थानीय निकाय के चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं, और फैक्टर टिकट वितरण का भी रहता है, कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य का भी रहता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो कांटे की टक्कर रहती है वो बहुत थोड़े वोटों, रायपुर नगर निगम की खबरें हम लोग सुन रहे थे, 1-7 वोट की भी हार जीत हुई, तो ये बहुत ज्यादा हार जीत वाला मामला नहीं रहता है। मुझे लगता है कि इस परिस्थितियों का आकलन करना पड़ेगा कि क्यों इतना ज्यादा अंतर नहीं रहा। आप यदि तुलना करेंगे तो फिर बीच में संसद का भी चुनाव हुआ, उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर रहा, लेकिन पल पल में फैक्टर बदलते हैं स्थानीय निकाय चुनाव में। इसमें बहुत ज्यादा इसकी बात नहीं है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा कि नहीं रहा, लेकिन सामंजस्य से बैठाने से कांग्रेस का मेयर यदि बनेगा तो विकास में तेजी आएगी। चलिए सुंदरानी जी आपके पास आना चाहूंगा, पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद, जो जिस तरह से आपने 2 उपचुनाव हारे, और लेकिन जो निकाय का रण था उसमें आपने बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ा, और जो नतीजे आए हैं निश्चित रूप से आप कहीं भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, आप बहुत कड़ी टक्कर देते दिखे हैं, लेकिन फिर भी इस चुनाव में कांग्रेस तो आपसे आगे है, निकाय का चुनाव तो कांग्रेस के पाले में जाता हुआ दिख रहा है जिस तरह के अब तक के जो नतीजे हैं। तो जो आप दावे करते थे कि आपने सीडी बनाई, नाकामियां गिनाई, उनका मुझे लगता है कि जनता पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा होता तो इस स्थिति में हम नहीं आए होते। एक साल पहले 68-69 विधानसभा सीटों में जीते हैं। रायपुर अगर हम क्षेत्र की बात करें तो 3 MLA कांग्रेस पार्टी के हैं, उसके बाद यहाँ बराबर की स्थिति में हम आए हैं, और पूरे प्रदेश की अगर हम स्थिति देखें तो कहीं 19 है, कहीं 20 है, कहीं 18 है, लेकिन बहुत पीछे हम कहीं भी नहीं है। अगर एक साल में हमने इतना गैप को पाट लिया है तो निश्चित रूप से आने वाले 4 साल हमारे पास है, संघर्ष के 4 साल रहेंगे। हम 2023 के इलेक्शन की हमारी तैयारी के लिए एक मैदान हमारा तैयार हो गया है, हमने ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया है, और 2023 में हम पछाड़ेंगे कांग्रेस को पूरी तरह से। अब नहीं, आपने तो निकाय चुनाव में भी कहा था कि हम पछाड़ेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपने का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, मैं मानता हूँ इस बात को कि जिस तरह की जो पिछले कुछ समय परिस्थितियां रही उसके मुकाबले बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर नतीजे आए हैं बीजेपी जिस तरह से जो प्रदर्शन रहा, लेकिन फिर भी जीत जीत होती है और हार हार, आप विधानसभा चुनाव हारे, सत्ता से बाहर हो गए, अब इसी तरह ठीक जो निकाय चुनाव है उसमें कांग्रेस आपसे भले थोड़े से अंतर से आगे हो, लेकिन अब निकाय में भी जो है आप नगर निगम में हो या पंचायत में हो या परिषद में हो, दबदबा जो है कांग्रेस का रहेगा, लेकिन ठीक है जिस तरह आप जिन सीटों आप जहां जहां पर जिन वार्डों में बहुत टफ है, आप पंचायत में देखें या नगर निगम में देखें, तो वहां हो सकता है कि आप निर्दलियों के साथ जो है मिलकर अपना महापौर बना ले या अध्यक्ष चुन ले, तो आपको क्या लगता है सुंदरानी जी कि जिस तरह के अभी जो नतीजे हैं नहीं, नतीजे निश्चित रूप से अच्छे भी हैं, और हमें कहीं ना कहीं चेतावनी भी है, हमें कहीं ना कहीं समीक्षा करने की जरूरत भी है। एक बात का ध्यान रोहित जी मैं दिलाना चाहूंगा आपको, आज रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री जी का एक बयान आया है कि हम जो गांवों के आसपास की पंचायत के चुनाव में हारे हैं, नगर पंचायत के चुनाव में हारे हैं या परिणाम अच्छे नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं धान खरीदी में जो अव्यवस्था हुई है, कहीं ना कहीं धान खरीदी का एक कारण जो हुआ है उसके कारण से हारे। तो मतलब ये सरकार के एक बड़े मंत्री, कद्दावर मंत्री भी इस बात को आज स्वीकार कर चुके कि हम धान खरीदी में कहीं ना कहीं किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए, जो बात हम उठाते थे लगातार। हम आपको बताएं कि एक साल विधानसभा, क्योंकि
सरकार कांग्रेस की पिछले दरवाजे से सत्ता पे काबिज हो रही है कांग्रेस। सीधा महापौर का प्रत्यक्ष चुनाव होता आज हम 10 की 10 नगर निगम में महापौर हमारा होता, लेकिन कांग्रेस को लगा कि सीधा चुनाव कराने में कांग्रेस नुकसान में रहेगी, उन्होंने नियमों में परिवर्तन किया और उन नियमों में परिवर्तन किया जो कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह की सरकार ने बनाया था। तो कांग्रेस ने देखा जाए तो यह जो जीत है इस पे डाका डाला है, सीधी जीत नहीं हासिल की है। जी बघेल जी, मेरे आपसे ये सवाल है कि जिस तरह के जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस लग रहा था कि प्रदर्शन बेहतर रहेगा, बीजेपी का इस तरह का प्रदर्शन शायद उम्मीद नहीं की जा रही थी, तो क्या लगता है क्या जो धान का समर्थन मूल्य है 25 रुपए नहीं दे पाना, या कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है वो वजह, या और भी कोई और वजह है जिसके चलते कांग्रेस को नुकसान हुआ है और बीजेपी जो है टक्कर देने में कामयाब रही है निकाय चुनाव में? बघेल जी क्या लगता है आपको? देखिए शोभित, सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि खुद मंत्री कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज स्वीकार की है कि नगर पंचायतों में उम्मीद से ज्यादा सफलता भाजपा को मिली है, और पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे थे कि लगातार नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित जो भी डिबेट होते थे उसमें भाजपा प्रवक्ता ये दावा करते थे कि धान खरीदी को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है और इसका नतीजा जो है वो दिखाई देगा। तो कहीं न कहीं जिन इलाकों में धान उत्पादक किसान ज्यादा हैं और जो नगर पंचायत हैं जो कि गांव से सटे हुए होते हैं, गांव के काफी लोग आकर वहां पर रहते हैं, तो वहां के नतीजे बताते हैं कि ये इस मुद्दे ने जरूर जो है असर दिखाया है, जैसा कि उनके एक मंत्री ने भी स्वीकार किया है। और हमने भी पाया था कि अचानक साल भर तक जो है सरकार बहुत अच्छे से चल रही थी और कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लोकसभा चुनाव में जरूर जो है कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर वोटिंग हुई थी, लेकिन वो साफ तौर पे देखा गया था कि वहां पर मोदी का जादू चला था, वहां पर सरकार से किसी तरह की नाराजगी उस समय तक सामने नहीं आई थी। लेकिन अभी धान खरीदी को लेकर जिस तरह से भाजपा ने आक्रामक तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला, एक तो धान खरीदी जो 15 नवंबर से शुरू होती थी उसको 1 दिसंबर से करने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा ने लगातार कांग्रेस सरकार को घेरा, उसके बाद धान खरीदी शुरू होने के बाद जिस तरह से बातें सामने आई, पहले तो ये हुआ कि 2500 रुपए में सरकार क्यों धान नहीं खरीद रही है, इस बात को लेकर सरकार को घेरा गया। बाद में जब 1815 रुपए के समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की बात सरकार ने कही और ये कहा कि बाकी का पैसा हम बाद में किसानों के खाते में देंगे, लेकिन उस समय भी देखा गया कि धान खरीदी में कई सारी अव्यवस्थाएं थी जिसके चलते प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा, और उस समय जो है चीफ सेक्रेटरी को फील्ड में भेजा गया कि जाके आप किसानों की समस्याओं को समझे, और लगातार प्रदर्शन के बाद जो है स्थितियां थोड़ी बहुत सुधार हुई, लेकिन इसी बीच में नगरीय निकाय चुनाव की कैंपेनिंग अपने चरम पर थी और उस समय जरूर सबको जो राजनीति के जानकार हैं उनको लग रहा था कि ये मुद्दा जरूर असर करेगा, खास तौर पर उन इलाकों में जो छोटे शहर हैं, कस्बाई शहर हैं, जो नगर पंचायत की श्रेणी में आते हैं वहां पर इसका जरूर असर होगा। और नतीजे जिस तरह से सामने आए हैं उससे ये बात सही है कि धान खरीदी को लेकर जो किसानों की नाराजगी थी उसका फायदा जरूर भाजपा को नगर पंचायतों में मिला है। अगर जी एक और सवाल ये है कि जो घोषणा पत्र था दोनों दलों का उसको कितना अहम मानते, क्योंकि जिस तरह से जो है कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो अपना घोषणा पत्र रखा था निश्चित तौर पर वो काफी अहम था, उसकी जीत में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था, वादा किया था, वहीं अब जो निकाय चुनाव का घोषणा पत्र था बीजेपी और कांग्रेस का, क्या वो भी एक वजह रही कि जो बीजेपी कांग्रेस को इस चुनाव में कड़ी टक्कर दे पाई, क्या कुछ कमियां रह गई कांग्रेस के इस बार घोषणा पत्र में? देखिए मुझे इसका ज्यादा असर मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि जनरली ये होता है कि सबको पता है कि सरकार अभी 4 साल और चलनी है और इसलिए हमेशा जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं उसमें सरकार के पक्ष में जो है जनता का समर्थन दिखता है। हमने देखा 2004 में जो चुनाव हुए थे, 2009 में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को एकतरफा जो है बढ़त मिली थी नगरीय निकायों में, हालांकि 2014 में इसका उल्टा दिखा था, 2014 में भी भाजपा को बढ़त मिली थी लेकिन उस समय कांग्रेस ने फाइट किया था और उसी समय से लग गया था कि अब प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का वातावरण दिखने लगा है और जो 4 साल बाद विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखा। तो ये जिस तरह से
लग रहा था कि कांग्रेस इस बार जो है 15 साल बाद सत्ता में आई है और उसके सत्ता में आने के बाद ये पहला नगरीय निकाय चुनाव है, तो सबको शुरुआती तौर पर यही उम्मीद थी कि पूरे नगरीय निकाय में, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, कम से कम कांग्रेस की जीत का जो प्रतिशत होगा वो 80% के आसपास होगा। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान या नतीजे जो कुल मिलाकर हमने देखे हैं उसमें रेशियो 60-40 का ही नजर आ रहा है। जी जी, ठीक है। अब देश जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बघेल जी का कहना है कि घोषणा पत्र का उतना बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं तो मुझे लगता है कि प्रभाव कुछ तो पड़ा है, ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ा है। आपको क्या लगता है, और क्या जो धान खरीदी का है समर्थन मूल्य जो 2500 रुपए देना था वो बड़ी वजह रही, उसके अलावा और ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिसके चलते जो है कांग्रेस को इस निकाय चुनाव में बड़ी कामयाबी नहीं मिली जिसके वो दावे कर रही थी? देखिए सोभित जी, घोषणा पत्र तो ठीक है और धान का खरीदी मूल्य जो भी था 2500 रुपए, तो उसमें टीका टिप्पणी चली रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है केंद्र में और उन्होंने मना कर दिया है कि मैं आपको 2500 रुपए, मैंने ऐसे पूछ के दिया गया था क्या, यह घोषणा पत्र मुझसे पूछ के बनाया गया था, तो वो प्रॉब्लम तो ही है। चावल नहीं खरीदेंगे केंद्र सरकार ने, हालांकि ऐसा कहीं कोई पत्र नहीं है कि किसी ने ये कहा हो पत्र में कि साहब हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन हाँ ये था कि भाई जो भी रेट आपने तय किया 2500 रुपए, तो आपको अपने संसाधन से उसको देना था। किसानों में इस बात की नाराजगी है, बट सरकार कहीं ना कहीं, जिस तरह से मैं अभी देख रहा हूँ नगर निगम में या नगर पालिका में जो भी या नगर पंचायत में जो रिजल्ट आ रहे हैं, आप ये देखिए 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही थी, कांग्रेस जैसे अभी बघेल साहब कह रहे थे कि 2014 तक कहीं नहीं थी, 14 में उसने फाइट किया और 4 अपने मेयर बनाए, ठीक है, नगर पंचायत में भी उनने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया, नगर पालिका में भी कुछ अच्छा प्रदर्शन किया, तो 14 से धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हुआ था। और चूंकि मेयर और ये जो नगर पालिका में जो कैंडिडेट थे वो भी बीजेपी के ही थे, तो बहुत ज्यादा अगर उनने अच्छा काम किया है, क्योंकि लोकल बॉडी का चुनाव होता है, अगर किसी परिषद ने अच्छा काम किया है तो उसका रिजल्ट उनको मिलता है, ठीक है। बीजेपी कांग्रेस है, चूंकि सरकार कांग्रेस की है तो उनको लगता है कि नहीं, अगर परिषद कांग्रेस की बनेगी तो वहां बजट अच्छा आएगा, काम अच्छा होगा, तो पब्लिक के मन में क्योंकि छोटा छोटा जैसे भी 1 वोट 2 वोट 5 वोट और 50 वोट से जीत हार हो रही है, तो इसकी बात नहीं है। मोहन, अभी थोड़ी देर पहले मैं मोहन सिंह मरकाम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमसे टिकट मांग रहे थे, हमने उनको टिकट नहीं दिया और वो जीत के आएंगे, तो ठीक है हमारे घर से गए थे हम उनको मना लेंगे। यही बीजेपी वाले भी कहेंगे कि साहब ये हमारे कैंडिडेट थे, वो चलो ठीक है, ये निर्दलीय जो थे इनको हमने टिकट नहीं दिया इसलिए हमारे पास आएंगे, इनको हम फिर मतलब उसमें रखेंगे। तो मेयर का चुनाव अब चूंकि पार्षद को करना है, अगर 34 जैसे मैं देख रहा हूँ कि बिलासपुर और रायपुर में बिल्कुल नेट साइट है, ठीक है, अभी पूरा परिणाम नहीं आया है, बड़े जो दो शहर है मतलब इनके, बाकी राजनांदगांव, कोरबा में तो स्पष्ट लग रहा है कि जीतेंगे, धमतरी है, राजनांदगांव है आपका, अंबिकापुर में भी लग रहा है कि कांग्रेस की दो ऐसे हैं जहाँ पे जो है अंतर काफी है, लेकिन बाकी जगह 2-4 परिषद भी छोटी, कहीं पर 48 की है, कहीं 70 की, मतलब रायपुर और बिलासपुर में 70-70 की परिषद है और यहाँ पे कहीं 48 है, कहीं 51 है, कहीं 38 है, तो उसके हिसाब से भी क्योंकि अब, और अगर हम ये कहते हैं कि अगर 34-34 भी हो जाते हैं और 5 अगर निर्दलीय होंगे, तो ये मान के चलिए कि जो निर्दलीय होते हैं सरकार के फेवर में ही जाते हैं, क्योंकि उनको अपना फायदा होता है कि चलो मैं सरकार के साथ जाऊंगा या मेयर को मैं बनाऊंगा तो मेरा मेरे क्षेत्र का अपना काम विकास होगा, तो वो सारी चीजें होती है। तो इसीलिए कांग्रेस ने ये सारी चीज को देखते हुए ही, ये जो अभी सुंदरानी जी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी की जो योजना थी कि भाई डायरेक्ट उससे ना चुनाव किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट अगर चुनाव होता तो ये बात सही है कि इसका रिजल्ट कुछ अलग होता, जो आज आप रायपुर में देख रहे हैं, तो मेयर अब हो सकता है कांग्रेस का मतलब बीजेपी का मतलब, लेकिन जो आज स्थिति बन रही है कि हो सकता है 10 के 10 नगर निगम में कांग्रेस अपना मेयर बना ले, क्योंकि निर्दलीयों के सारे या किसी के सारे, लेकिन जब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता तो चूंकि आम जनता को चुनना था, उसको ये करना था कि भैया मेयर हमारा ये होगा, पार्षद कोई भी बना रहे, तो वो चीजें अब इसमें नहीं होगी। अब इसमें क्या, पार्षद ही अब सब कुछ हो गए हैं, अब पार्षद ही चुनाव करेंगे कि अध्यक्ष कौन होगा और मेयर कौन होगा हमारा, तो उस कंडीशन में क्योंकि कांग्रेस ने बहुत बड़ा, और दूसरा ईवीएम का प्रयोग मेरे ख्याल से ये बताएंगे बघेल साहब बताएंगे कितनी जगहों पे किया गया है और कुछ बैलेट पेपर से इस बार चुनाव कराया गया, जो कांग्रेस की अपनी मांग रही है कि नहीं साहब ईवीएम में हेरा फेरी होती है ये सारी चीजें, हालांकि सरकार उनकी थी और नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव था तो वहां पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सरकारी अमला जब होता है तो सरकार के पीछे खड़ा होता है, तो उस कंडीशन में कि कितनी जगहों बैलेट पेपर से हुआ है, क्योंकि आम जनता वहां की
ये नहीं मांग कर रहे थे कि भैया ईवीएम से, हाँ कांग्रेस की मांग जरूर रही थी शुरू से कि भाई ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो, तो उन्हें उसको भी लागू किया है जी। तो वो ये देखना पड़ेगा, बघेल साहब बताएंगे कि कितने जगहों पर ईवीएम से करवाया, कितना क्या किया। तो सुनील सुंदरानी जी हमारे साथ, आप बीजेपी प्रवक्ता अवधेश जैन जी जुड़ गए। अवधेश जी आपका बहुत स्वागत है, आपसे सवाल करूं, लेकिन उससे पहले छोटा सा सवाल राकेश जी से है। राकेश जी, इस तरह की बात सामने आ रही है, अगर ये डायरेक्ट चुनाव होता जी तो ये नतीजे नहीं होते, बीजेपी का जो अभी दमखम दिखा है वो पूरी तरह से जीत में कन्वर्ट होता। देखिए, कांग्रेस के पास अधिक लोकप्रिय उम्मीदवार है मेयर के रूप में, पिछली दो बार जनता देख चुकी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद रायपुर की जनता ने डायरेक्ट इलेक्शन में दो मेयर जिताए हमारे, तो इसमें कोई प्रश्न बचता ही नहीं, आपके क्रेडिबिलिटी बचती नहीं। हम तो चाहते थे कि इस प्रकार हो जाए, लेकिन हमारी सरकार ने डिसाइड किया, और चुनाव कोई भी हो जो लोकप्रिय होगा जीतेगा, ये तो खुला खेल है, इसमें बोलने की कोई बात नहीं। हमारे पास ज्यादा लोकप्रिय उम्मीदवार अभी भी हैं, आप देखे होंगे कि हमारे ज्यादातर लोग जो पुराने लोग हैं वो जीत गए चुनाव। अच्छा राकेश जी, अगर ऐसा है कि लोकप्रिय उम्मीदवार है, तो हम देख रहे हैं नगर निगमों में कि निर्दलीय भी काफी बड़ी संख्या में चुनाव जीते हैं। कोरबा में आप देख लीजिए 18 निर्दलीय कुछ जीत चुके हैं, कुछ जीत की ओर है जैसे कि रुझान बता रहे हैं। रायपुर में देख लीजिए 10 निर्दलियों के पक्ष में नतीजे आते दिख रहे हैं, दुर्ग में भी 12 है, राजनांदगांव में 8 है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे, अगर इतनी ही पॉपुलरिटी होती तो या तो बीजेपी का जीतता, नहीं जीतता तो फिर कांग्रेस का जीतता, निर्दलीय फिर कहां से आ गए। देखिए यही तो बात है, स्थानीय निकायों में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं तो निर्दलीय तो जीतेंगे, इसमें कोई प्रश्न वाली कोई बात नहीं है। किसी न किसी पार्टी से असंतुष्ट होकर निर्दलीय खड़े होते हैं, जो स्थानीय लड़के हैं वो काम करते हैं, और इसमें कोई, मैं इसको गलत नहीं मानता निर्दलीयों को चुना जाना, वो लोकप्रियता के आधार पर जीतते हैं, पार्टी का न जीते तो कोई बात नहीं, निर्दलीय है उसकी अपनी विश्वसनीयता होती है, आगे चल के उनको काम करना है। पार्टी राजनीति में यदि ना भी हो तो बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है जीते हुए लोगों का। अच्छा, तो ये मान लें हम कि दसों नगर निगम में जो अब फिलहाल जिस तरह के नतीजे हैं, आपके महापौर होंगे। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, यदि लोग चाहते हैं कि काम हो तो जो सरकार है उनके साथ सामंजस्य से बैठा के स्थानीय काम करने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। चलिए अवधेश जी, आपके पास आना चाहूंगा, लोकप्रिय दावेदार आपने क्यों नहीं उतारे जी, इतना दमखम आपने जो है अभी तक दिखाया जो नतीजे में है, लोकप्रिय दावेदार अगर आप उतार देते तो हो सकता है कि कांग्रेस को भी पछाड़ देते। वही मैं लोकप्रिय शब्द के विचार में, शब्द के बारे में सोच रहा था कि यदि जनता के दो वोट का अधिकार छीना ही जाता और महापौर का मतदान भी जनता करती तो निश्चित ही लोकप्रिय कांग्रेस है कि भाजपा के प्रत्याशी ये ज्यादा अच्छे से नजर आता जी। और जब भाजपा सरकार थी तब राकेश भैया बोल रहे थे कि उनका 4 था, तब तो उनको दो मत का अधिकार जनता का फिर नहीं छीनना था जी। ऐसे में तो उनको आश्वस्त होना था कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, कांग्रेस सरकार को दो मत का अधिकार जनता को देना था और महापौर का चुनाव पत्थर पड़ी से कराना था जी। दूसरा, भैया ने एक शब्द और कहा, काम हो चाहते हैं तो, इसका मतलब ये हुआ बीजेपी निकाय में आएगी तो काम नहीं होने देंगे। ये आपने महापौर का नहीं होता तो यही निकलता है, काम हो मतलब एक तरफ इनके मंत्री बोलते हैं कि निकाय का पैसा हम लेके चले जाएंगे, दो दो मंत्री बोलते हैं, और राकेश भी अभी प्रवक्ता के नाते कांग्रेस से आके काम हो चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दें, इस टाइप का बातचीत था। निश्चित ही लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी। नहीं, और टीवी के सामने हो रही है। एक और घटना बताना चाहूंगा जी। जी हाँ जी, कहिए, आप बात पूरी कीजिए अपनी जी। हाँ, एक और घटना बताना चाहूंगा, अभी रायपुर में महापौर प्रमोद दुबे जी का मतगणना चल रही है, अब वो मतगणना में वहां पर लाइट बंद कर दी गई, पत्रकारों को बाहर कर दिया गया, और बाहर करके वहां पर अचानक फिर अगले बूथ की पेटी खुलती है तो 900 वोट से आगे हो जाते हैं। ये बगल में WRS है जी। अभी कांग्रेस से प्रत्याशी वहां के विभाग एक वोट से जीते हैं, हम रिकाउंटिंग चाहते हैं तो रिकाउंटिंग का आवेदन प्रशासन ले ही नहीं रहा है जी। तो मतलब
स्पष्ट दिख रहा है कि पहले निजी प्रेस में मैं छपाना मतपत्र, फिर मतपत्र का रोड में पड़ा मिलना, इतना छप गया अधिक मात्रा में कि रोड में पड़ा मिला, उसके बाद फिर फर्जी मतदान की शिकायत आना, अब प्रशासन के द्वारा इस टाइप का लाइट बंद करके मतगणना करना, ये तो मेरे समझ से परे है। राकेश जी से पूछ लेते हैं, राकेश जी और क्या उसके बाद क्या, सरकार की पॉलिसी शुरू से थी। राकेश जी क्या कुछ घालमेल भी हो रहा है क्या? जी राकेश जी, अब देश जी कह रहे घालमेल भी हो रहा है कुछ? मेरे सुनने में तो मतगणना सुबह 8 बजे से चल रही है, 12 घंटे के बाद मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इससे पहले भी मैं 3 स्टूडियो में रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रवक्ता ने ये बात कही नहीं, अवधेश जी ने कही होगी, बाहर जाके पता करता हूँ कि केवल अवधेश जी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं को भी लग रहा है। बंद होने के बाद अचानक से जो है प्रमोद जी 900 वोटों से आगे हो जाते हैं। देखिए मतगणना स्थल में पूरे जनरेटर का प्रबंध होता है, बैकअप होता है और सारी इमरजेंसी व्यवस्था होती है। ये मुझे लगता है कि पूरी जानकारी सही नहीं है, जानकारी शायद दुरुस्त कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। अवधेश जी आज ये टूटी जानकारी टीवी के माध्यम से क्यों दे रहे हैं? मौके से जो है इस तरह की चीजें आप आज ये टूटी जानकारी देकर के जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं। मौके पे कार्यकर्ता अपना संघर्ष कर रहे हैं जी, वो वहाँ पर बीसीटी रिकाउंटिंग का एप्लीकेशन लेके खड़े हैं जी, और वहाँ पर जो जो आपत्ति दर्ज होना है वहाँ पर हुआ है जी, और सोशल मीडिया में भी चल रहा है, आप देख सकते हैं जी। निश्चित ही जो एक्टिव रहेंगे जो पढ़ेंगे उनको सब ठीक है, अलग विषय हो गया, समाचार में दिख जाएगा, सब भी आ जाएगा ठीक है। आप एक बात ये बताएंगे, ठीक है आपने बहुत अच्छा 2000 प्रचार किया, ठीक है नतीजों में दिख भी रहा है, लेकिन ये नतीजे पूरी तरह से आपके पक्ष में कन्वर्ट नहीं हुए तो उसकी क्या वजह रह गई, कहां कमी रह गई आपकी ओर से? ये कांग्रेस की नैतिक हार है, ये हमारी जीत है बल्कि मैं बोलूंगा। आप विचार करिए, 1 वर्ष पहले कांग्रेस 68 सीट के साथ में इस प्रदेश में आई, सरकार में है जी, और सभी प्रकार के हथकंडे अपना करके चुनाव प्रचार हुए जी, सरकारी तंत्र लगा, सब कुछ लगा। आप पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए पूरे प्रदेश से निकाय के, निकाय का उसकी बहस तो ठीक है, जो सत्ता में होता है उसको थोड़ा बहुत तो फायदा वो उठा सकता है, इसमें गलत क्या है? आप सत्ता में थे 15 साल, आपने शासन किया, आपने भी थोड़ा बहुत फायदा उठाया होगा, ये सत्ता में है इन्होंने भी फायदा उठा लिया, जो तो भी पति में रहता हूँ वहाँ लगाते ही है। ये बात को मैं ये बात को मैं चार अवधेश जी को सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, आपके नामा राशि हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकार में होता है ठीक है और जो विपक्ष में होता है तो हमेशा ये नियम रहा है, या जो कैंडिडेट हार रहा होता है वो जरूर ये आरोप लगाता है कि उसमें मतपेटी में बदलाव दी गई, मतपेटी में ये हुआ फिर वो हुआ, फिर कोर्ट में जाती है तो कोर्ट के बाद फिर वो मतगणना कलेक्टर के पास जाना, फिर वो चुनाव अधिकारी के पास जाना, सारी चीजें हैं। और ये चीज इसके पहले 2014 में कांग्रेस आरोप लगाती रही आपके ऊपर, ये तो एक सिस्टम है, उसके लिए कुछ नहीं है। बट जो सोमी जी का कहना है, भाई अगर आपने इतना अच्छा 2015 साल आपकी सरकार रही, आपने जो काम किया है तो उसके आधार पे अगर आपको और थोड़ा सा मेहनत की जाती तो क्या इस आधार पे आप धर्मलाल कौशिक जी इस्तीफा देंगे अगर उनकी हार मानेंगे कि अपनी अध्यक्ष के नाते? ये तो मैं बता रहा हूँ, हमारी नैतिक रूप से हमारी जीत है, प्रदेश में पूरे 151 निकाय को निकाल के देख लीजिए, नेक टू नेक की फाइट चली है और जनता का जो जनादेश है वो तो सिर उधार है हर किसी को, हमको भी है और सबने किया है। मनोज सिंह बघेल जी बैठे हुए हमारे संपादक हैं, उनसे जानते कि सही मायनों में जो नतीजे हैं वो किसकी जीत को बयां कर रहे हैं, ये सही मायनों में किसकी जीत है, कांग्रेस की है बीजेपी की है? बघेल जी आपको क्या लगता है? देखिए सही मायनों में तो कांग्रेस की जीत है, क्योंकि जो कुल मिलाकर जो नतीजे आ रहे हैं और जो नतीजे दिख रहे हैं, खासतौर पे जैसा आपने निर्दलियों का जिक्र किया और जो एक ट्रेंड होता है हमेशा कि निर्दलीय ज्यादातर ये देखते हैं कि सरकार किसकी है, और जैसा कि डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि जो जीत कराते हैं वो विद्वान होते हैं, उनको पता है कि किसके साथ जाने पे फायदा है, तो यही देखा जाता है कि लोग सत्ताधारी दल के साथ जाते हैं और ये मानते हैं कि इनके साथ जाने से एक तो जो नगर की सरकार है शायद उसमें साझेदारी मिल जाए
और साझेदारी नहीं भी मिलती है तो हमेशा सरकार ओबलाइज रहती है कि फला निर्दलीय उम्मीदवार ने हमारा साथ दिया है, इसलिए उसके वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता से हल किया जाए। तो इस तरह से सभी 10 नगर निगम में जैसी स्थितियां बन रही है और निर्दलीयों की संख्या के आधार पर ये बिल्कुल तय हो रहा है कि केवल मेरे को बिलासपुर को लेकर थोड़ा डाउट है कि बिलासपुर में नतीजा बदल सकता है और शायद भाजपा 36 का जो फिगर है, मैजिक फिगर है, वहां तक पहुंच जाए, लेकिन बाकी नगर निगमों में निर्दलीयों की संख्या को देखते हुए ये लगता है कि बाकी नगर निगमों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमोबेश कुछ इसी तरह की स्थिति, भले मैंने कहा शुरू में जी, आपको लग रहा है कि निर्दलियों की वजह से कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो क्या इसकी वजह जो है पार्टियों के जो बागियों के जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़े वो वापस अपने घर लौट जाएंगे, या फिर क्योंकि सत्ता कांग्रेस की है इसलिए उनका कांग्रेस की ओर झुकाव हो जाएगा, क्या वजह है? देखिए बागी दोनों ही राजनीतिक दलों से बागी होकर लोग चुनाव मैदान में उतरे थे। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो निर्दलीय चुन के आए हैं उनमें से बागी किसके ज्यादा है। कांग्रेस के ज्यादा बागी है जहां पर, वहां पे कांग्रेस को फायदा मिलेगा, जहां पर भाजपा के लोग बागी हुए हैं वहां पर जो है, हालांकि एक अंतर और दिखाई देता है कि जो बागी हैं उनके खिलाफ भाजपा ने कठोर कार्रवाई की है बजाय कांग्रेस के। तो ऐसे में जब ज्यादातर मौकों पर यह देखा जाता है कि जब किसी को निष्कासित किया जाता है पार्टी से तो वो अपनी मूल पार्टी से नाराज होकर फिर वो बदला लेने की सोचता है और ऐसे में दूसरे पाले में जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस चीज का भी फायदा जो है कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने उतनी कठोर कार्रवाई नहीं की जितनी जल्दी भाजपा ने अपने बागियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की, उतना जो है कांग्रेस ने उतनी आतुरता नहीं दिखाई अपने बागियों पर कार्रवाई करने में। मतलब साफ था कि उनके प्रति साफ रहा जाए जिससे मौका पड़ने पर उनको यूज कर लिया जाए। अवधेश जी आपको क्या लगता है फिलहाल जिस तरह की जो रुझान है नतीजे में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या लगता है कि बिलासपुर के अलावा और भी कहीं किसी और शहर में भी आपकी सरकार हो सकती है? अवधेश जी जी आप सुबह से देखेंगे जी, तो सुबह से आप देखेंगे तो क्रमबद्ध तरीके से बीजेपी सिर्फ आगे ही बढ़ी है जी, कांग्रेस बल्कि पीछे ही है क्रमबद्ध, जैसे जैसे रुझान आते चले गए बीजेपी धीरे धीरे कछुए चाहते जैसे बढ़ी है और अभी 2-3 घंटे में सब निश्चित ही आपके सामने आ जाएगा और जो भी जनता का जनादेश आएगा सभी पार्टी सुधार करेगी, यही लोकतंत्र का सौंदर्य है। और निश्चित ही हम अलावा और कौन कौन से ऐसी निगम हैं जहां पे आपका महापौर हो सकता है, आपकी पार्टी का खुद का एक आकलन रहा होगा जिस तरह के नतीजे हैं तो लग रहा होगा किस तरह से गोटी बैठाई जा रही होगी कि ठीक है यहाँ पे इतना नजदीक है तो यहाँ पे हम ठीक है इतने निर्दलीय हमारे साथ हो सकते हैं जुड़ सकते हैं। गोटी बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती और नहीं ऐसे नहीं नहीं करो कि आप ये काम करते हैं, मतलब जो रूठे हैं आपके आपसे बागी होकर के अलग हुए हैं उनको आप वापस मना ले घर बुला ले वो आपके साथ हो जा सकते हैं, तो फिर कहाँ कहाँ किस शहर में जो है नगर निगमों में आपके महापौर काबिज हो सकते हैं? जो भी परिणाम आएगा आपके सामने रहेगा 2-3 घंटे में और उस संबंध में अभी दो रुझान ही है सब और निश्चित ही हम अभी आगे रुझान धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ी रहे हैं। सुबह रायपुर नगर निगम में हम तो सिर्फ 20 सीट में थे, अभी हमारी करीब 28 से 30 सीट आ गई, तो धीरे धीरे हम बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। तो अभी रुझान बहुत परिवर्तित होंगे, कहाँ कहाँ कांग्रेस को और पीछे छोड़ देंगे आप? नहीं ऐसा हम ऐसा संभावना के आधार पर नहीं करते, जो भी आएगा 2-3 घंटे में परिणाम आपके सामने आ जाएगा, परिणाम जो आएगा सबको सुधार है, जनता जनार्दन है और जनता जो भी हमको परिणाम देगी उससे सुधार्य है। राकेश जी आपको क्या लगता है अब इसमें कुछ और चेंज होगा नहीं तो ये जो रुझान है वही नतीजों में कन्वर्ट होते चले जाएंगे? देखिए ज्यादातर रुझान स्पष्ट हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला है और कांग्रेस की बढ़त बरकरार रहेगी और आने वाले समय में 2-3 घंटे में करीब करीब पूरे परिणाम 80% के आसपास आ चुके हैं, बचे हुए 20% और आ जाएंगे और कमोबेश परिणाम यही रहने वाला, ज्यादा अंतर नहीं होगा। अच्छा राकेश जी ये नहीं मानते जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है वो ठीक है, बहुत खराब नहीं रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा तो बहुत खराब भी नहीं रहा है, तो क्या लगता है कि जो अगले 4 साल में जो अब एक विपक्ष मजबूती से जो है और मजबूत होगा उसको मजबूती मिलेगी, तो क्या लगता है कि ये आपके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है जो जिस तरह से मुद्दे उठाएंगे वो, तो
तो क्या लगता है कि किस तरह से कितनी राह आपकी अगले चार साल की जो है आसान रहेगी या मुश्किल? देखिए, मैं तो इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि विपक्ष सजग और मजबूत होना चाहिए, भले ही वो उतना ना हो पाए कि सत्ता के नजदीक पहुंचे, लेकिन सामंजस्य बना रहना चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए, क्योंकि स्थानीय निकायों में मिलजुल कर काम करता है और जो मेयर बनता है वो सबका पालक है, उसको पूरी जनता को देखना है, सभी पार्षदों के काम देखने हैं और उसको एक पूरे के पूरे प्रथम नागरिक के रूप में उसको सबको देखना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सामंजस्य बड़प्पन करके दिखाना चाहिए और सबका काम करना चाहिए। नहीं, ठीक है, जिस तरह से कांग्रेस ने, ठीक है, बहुत कांग्रेस के पक्ष में नतीजे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब जो कमियां रह गई है, धान का जैसे समर्थन मूल्य की बात है कि 2500 रुपए देंगे, अभी सिर्फ बातें ही हो रही है, कब तक होगा, कब तक आएगा पता नहीं, कानून व्यवस्था ठीक है सुधरी है लेकिन उस तरह से नहीं सुधरी है जितनी की अब तक सुधरनी चाहिए थी, तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, क्या मानते हैं कि इन व्यवस्थाओं की वजह से भी जिस जनता के मन में थोड़ा सा आपके प्रति कुछ संकोच रहा कि उस तरह से बढ़ चढ़ के मत नहीं दे पाए अपना, तो क्या लगता है कि ये सब चीजें हैं वो आगे चलकर आप कितनी जल्दी उनको सुलझा लेंगे, जनता की जो है दिल में किस तरह से कितनी जल्दी पूरी तरह से रचबच जाएंगे? देखिए, पारदर्शी सरकार और संवेदनशील सरकार का काम है कि जो भी फीडबैक आए उसमें व्यवस्था में सुधारने की कोशिश करें, और मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार ये सोचती होगी कि हम अपनी गलतियां या ढीलापन जो आया है उसको ठीक ना करें, जो भी फीडबैक आया होगा उसको सुधार लिया जाएगा और भूपेश बघेल की सरकार एक लोकप्रिय सरकार की तरह काम कर रही है, आने वाले समय में और भी जो अच्छे कामों का मौका मिला उसको करेंगे। जी, अवधेश पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, जिस तरह की चीजें की निकल के आई है, एक तो ठीक है धान खरीदी का समर्थन मूल्य है, उसके अलावा अवधेश जी आपको और ऐसी कौन सी बातें लगती हैं जिसके आधार पर कह सकते हैं कि कांग्रेस को उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली जो सत्ता पक्ष में होने के नाते उसको मिलनी चाहिए थी, कुछ तो कमी रही है? देखिए सोबी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, अगर कुछ तो वाली बात है तो मैं वही कहूंगा कि अगर थोड़ा सा मेरे मन में इस बात का झिझक है कि अगर कांग्रेस पार्टी जो पुरानी पद्धति थी अगर उससे चुनाव करवाती तो शायद उनके मन में कहीं संशय था। इस बात को बघेल साहब भी बताएंगे कि अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से अगर पार्षद महामेयर का चुनाव होता और पार्षदों का वो होता, जो अवधेश जी कह रहे हैं दो वोट का मामला, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में ये भय था, क्योंकि चूंकि अभी एक साल में 7 महीने उन्होंने काम किया, 3 महीने आचार संहिता लगी रही, तो उनको ये मालूम था कि अभी तक वो अपनी योजनाएं भी गांव तक या जन जन तक नहीं पहुंचा पाए, शहर के लेवल पे थोड़ा बहुत है। तो जी, एक और अपडेट आपको दे दें कि बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी 35 पे है और कांग्रेस 30 पर, और जबकि 5 में निर्दलीय है। आप वही मैं कहने वाला था कि दो जो बड़े वो हैं, मतलब संभाग हैं, रायपुर और बिलासपुर, उसमें दोनों में देखिए आप बिल्कुल कांटे की टक्कर। अवधेश पांडे जी, एक चीज और क्लियर कर दूं कि कांग्रेस जो है वो 35 पर है, 30 पर बीजेपी है और 5 में निर्दलीय है, तो यहाँ पर भी बिलासपुर में भी कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। अब ओवरऑल पूरे 10 नगर निगम में कांग्रेस बीजेपी से आगे है। और अभी जो अवधेश जी कह रहे थे तो एटलीस्ट 90% जो है काउंटिंग हो चुकी है, जो बड़े दो जगह है बिलासपुर और रायपुर, वहां पे ही थोड़ा सा कसम कसा है, जहां कहीं लाइट जा रही है, कहीं मतपेटी में उलटफेर हो रहा है, जो चूंकि कैंडिडेट क्या होता है कि जब हारता है या जीतता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, तो क्या करता नहीं था फिर से काउंटर, तो वहां पे लेट होता है। ठीक है, बार बार जब पेटी या मतगणना होती है तो उस टाइम पे लेट होता है, तो इसकी वजह से अदरवाइज आप देखिए कि पूरे प्रदेश में आप जब देखेंगे तो 10 के 10 नगर निगमों का रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है, कहीं पे 14 निर्दलीय हैं। अब वो 14 निर्दलीय किसके पाले में जाएंगे? और वो निर्दलीय वो होते हैं जिनको कि जो बकायदा 4-5 साल मेहनत करते हैं, पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन लालच बस या किसी बड़े नेता के साथ जो आदमी जुड़ता है उसको टिकट दे दी जाती है, और उस कंडीशन में वो निर्दलीय जीत के आते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के। अब ये बात सही है कि अभी जैसे बघेल साहब कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले मोहन मरकाम जी को मैं सुन रहा था किसी चैनल पे, उनने कहा कि नहीं ठीक है जो हमारे थे हमसे रूट के गए थे हम उनको मना लेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया किसी बड़े नेता का कि ठीक है जो हमारे उनको, चूंकि उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को होगा ही। कांग्रेस साफ कारना में अभी भी है कि ठीक है मेरे 14 में से 7 मान लीजिए निर्दलीय है तो वो तो मैं मना के ले लूं, और चूंकि पार्टी वाला जो भी बघेल साहब ने कहा कि चूंकि पार्टी जब मेयर बनता है और जब ये लगता है कि कांग्रेस का मेयर बनेगा या कांग्रेस की सरकार है,
तो हमारे जो निजी स्वार्थ है, जो उसके क्षेत्र का काम होता है या विकास का काम होता है, पार्षद का बहुत बड़ा काम नहीं होता है, मतलब 10,000-15,000 की पॉपुलेशन होती है तो सड़क है, नाली है, गिट्टी सड़क, मुरुमारी सड़क बनवा दे, ये कर दे, सीवेज लाइन बनवा दे, उसका जो काम होता है, तो चूंकि बजट सरकार ही देती है, अब चूंकि सरकार अगर कांग्रेस की और मेयर भी कांग्रेस का होगा तो डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं वो होने लग जाएगा। मनोज जी, जिस तरह से रुझान अभी नतीजों में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि बिलासपुर में भी जो है कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई, लेकिन जो अभी खबर मिल रही है कि रायपुर में बीजेपी फिर कांग्रेस से आगे निकल गई है और कांग्रेस पिछड़ रही है, क्या लगता है कि जिस तरह से रुझान अभी पूरी तरह से नतीजों में कन्वर्ट नहीं हुए, तो और जो बाकी नगर निगम है या जो नगर पंचायत है, नगर परिषद है, वहां पे भी कुछ और उतार चढ़ाव हो सकते हैं, क्या अभी मौका है बीजेपी के पास बाकी जगह भी आगे निकलने का? जैसा कि देखिए, मौका तो उस तरह से नहीं है, क्योंकि जो हमने बात की मैजिक फिगर की, मैजिक फिगर की मैंने बहुमत, सामान्य बहुमत जो होना चाहिए, मसलन जैसे रायपुर और बिलासपुर में 70 वार्ड हैं, तो 36 पार्षद जिसके फेवर में होंगे उनका महापौर बनेगा, तो ये फिगर जो है भाजपा अभी फिलहाल कहीं पे भी पाती नहीं दिख रही है। रायपुर में भी भले आगे हुई है लेकिन अभी 32-33 पर ही है, जबकि उसको 36 पार्षद चाहिए। तो इस तरह से मुझे अब नहीं लगता है कि किसी भी नगर निगम में, खास तौर पे कि किसी भी एक नगर निगम में, यदि बिलासपुर से ही एकमात्र उम्मीद थी, जैसा कि हमने सर्वे भी किया था और हमारे सर्वे में ये बात सामने आई थी कि बिलासपुर में भाजपा बहुत मजबूत है, लेकिन यदि वहां पर स्थिति बदल रही है और कांग्रेस के 35 पार्षद फिलहाल अभी आगे चल रहे हैं या जीत गए हैं, तो ऐसे में अब जाकर मुझे नहीं लगता कि किसी भी नगर निगम में भाजपा की सरकार बनने वाली है। जी अवधेश जैन जी, आपको क्या लग रहा है? बघेल जी तो हमारे संपादक जी है, वो तो यही कह रहे हैं कि किसी भी निगम में जो है सरकार नहीं बन रही है आपकी, आपको क्या उम्मीद है? जी, जो भी हमारी उम्मीद तो यह है कि जैसे रायपुर में अभी जो हम आगे हुए, वैसे भी आगे भी कई नगर निगम में हम आगे हो सकते हैं, परंतु उससे अलग हटके आप एक विचार करिए कि जो भी जनता का जनमत रहेगा वो सिरोधार है, उसमें कहीं आपत्ति नहीं है, नहीं, वो तो और सभी दलों को ये लोकतंत्र का सौंदर्य है, है ना, वो स्वीकार नहीं, स्वीकार है हम उस प्रकार के राजनीति हम करते भी नहीं है कि हम गोटी बैठाएं या जोड़ तोड़ करें। आप कुछ देर पहले माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी से किसानों के संबंध में चर्चा कर रहे थे, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसमें निकाय क्षेत्र के किसानों को इग्नोर करके, किसान का कण ही है इसमें, किसान पूरे प्रदेश में अपने धान बेचने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उपार्जन केंद्रों में मारा मारी है, उन्हें टोकन नहीं मिला, टोकन मिल रहा है तो जिस डेट में उनको बुलाया जाए उस डेट में धान क्रय नहीं हो रहा है, धान के बोरे फटे हुए हैं, किसानों के धानों को जब्ती बनाया जा रहा है, किसान अपने खेत से अपने घर तक धान ले जाने में डर रहा है, वो ये सोच रहा है कि कहीं रास्ते में मेरा धान जब्ती ना हो जाए, एक अपराधी की तरह किसानों के साथ में डील किया जा रहा है, बहुत चिंतनीय है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आपको इसमें निकाय क्षेत्र के किसानों की भी चिंता करनी थी, इन सारे मुद्दों को आपको जनता के पास लेके आना था ना, किसानों के साथ में। अब देखिए, तो आपको नहीं लगता कि आप जनता में रोज जा रहे हैं, हमारे डिबेट में हम तो कर ही रहे हैं, विषय को उठा ही रहे हैं, नहीं, इसलिए चुनाव के पहले की बात है, निकाय चुनाव के पहले जाना था, तो आपको लगता है कि निकाय क्षेत्र के किसानों को खुश नहीं पा, हर उपार्जन केंद्र में निकाय चुनाव के दौरान ही प्रदर्शन हुआ है, तो आपको ये लगता है कि निकाय चुनाव, जो निकाय के जो किसान है उनको खुश नहीं कर पाए, यही वजह है कि आप जो है जो थोड़े बहुत नतीजे ठीक है उसमें आप उठे हैं? जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो विपरीत परिस्थिति थी प्रदेश भर में, एक वर्ष पहले जितनी कांग्रेस का जनता का वोट मिला, कहीं पर प्रशासन के अधिकारी भाजपा का पोस्टर फाड़ रहे हैं, धंतरी में कांग्रेस के वहां पर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, गोदाम से दारू पकड़ा दी है, पूरे प्रदेश में प्रशासन का तंत्र लगा हुआ है, और ऐसी स्थिति में जिसमें सरकार में, अभी राकेश भाई बोल रहे थे, जिसकी सरकार रहती है उसको इसका लाभ मिलता है, हमारे भाजपा में तो हम चार चार में थे, लोकतंत्र कितना स्वस्थ होना चाहिए वो बिल्कुल भैया ने भी स्वीकार किया, किंतु आप ये विचार कीजिए वर्तमान समय में जितनी भी योजना बनाई गई,
उसमें दो मत का अधिकार छीनना, निजी प्रेस में बैलेट पेपर छपाना, बैलेट पेपर का रोल छीनना। अवधेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सारी चीजें आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आपको ये पता है कि नहीं पता, रमन सिंह के बाढ़ से उन जो कैंडिडेट था वो हार गया है। अब इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री 15 साल आपके रहे हैं, आपको ये मालूम है चरणदास महान जी के? जी जी, आपको आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है, चरणदास महान जी के वार्ड से ही कांग्रेस हारी है। चरणदास महान तो मुख्यमंत्री नहीं थे, बगल में चरोदा है, चरोदा में भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री बताइए आप उनकी तुलना महान जी से 15 साल रहे वो आकलन कर उसको समझ रहे हैं आप, महान जी से रमन सिंह जी की तुलना क्यों कर रहे हैं? जी जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जी, नहीं, नहीं, आपका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भाई, आप उसमें जो बोलना चाह रहे हैं ना उनके वार्ड से जी, ये पूरे प्रदेश में एक समान रूप से सभी नेताओं के वार्डों में हुआ है, आप किसी एक व्यक्ति पे ऐसा निशाना साध के नहीं कर रहे हैं, निशाना। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे, डायनेमिक मुख्यमंत्री रहे, बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन उसके बाद बाढ़ से उनका ये कहना है कि जब रमन सिंह जी के बाढ़ से ही बीजेपी हारती है तो वाकई में थोड़ा सा बीजेपी के लिए काफी चिंताजनक वाली बात हो जाती है। ठीक है राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा जी, वही जी, मैं आपको वही जी, ठीक है अभी जी बहुत समय कम है, राकेश जी का भी थोड़ा सा उनसे कुछ चीजें, आपने जो बात कही कि निकाय में जो है किसानों के साथ जाति हो रही है, तो राकेश जी निकाय में क्या आपने जाति की यही वजह है जिसकी वजह से आप बीजेपी आपको इस निकाय चुनाव में टक्कर दे पाई? नहीं नहीं, देखिए देखिए ये खबर बिल्कुल गलत है, किसी प्रकार की जाति हुई है, हम धान का समर्थन मूल्य जैसा प्रॉमिस किया पिछली बार भी दिए, इस बार भी देंगे, हो सकता है कि देखिए बाहर के प्रदेशों से धान आएगा तो उसकी जब्ती होगी, ये बिल्कुल घोषित निर्णय है सरकार का और इसके लिए मुख्य सचिव सीमावर्ती जिलों में प्रदेश के किसानों से ही जो है ऐसा व्यवहार हो रहा है। अरे किसानों की सरकार है, केंद्रों में धान खरीदी बंद करने की चेतावनी, धान का मूल्य लिया हुआ है केंद्रों में, धान बंद करने की चेतावनी, कैसी बातें कर रहे, पेपर दिखाने से क्या होगा? अच्छा राकेश जी, सरकारों ने किसानों ने बहुत सारे किसान भी प्रोग्राम आकर देख रहे होंगे, अभी तक आंखें नहीं, धान की खरीदी बंद नहीं हो रही है, इस तरह का थोड़ा सा जो है बता क्लियर कर दीजिए कि वाकई में जो है धान खरीदी केंद्रों में बंद हो रही है या फिर नहीं? देखिए धान की हमारे मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि प्रदेश में होने वाला एक एक दाना धान का खरीदा जाएगा, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है, वो सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाती है, इस प्रकार का दुष्प्रचार करती है, तो फिर भी उसकी कैंडिडेट नहीं जीते जी। जिन किसानों को जो है 1815-1835 धान का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है उनके खाते में 2500 रुपए कब मिलेगा? जो जिनके यहाँ जिनको मिल गया उनका में बकाया, और बाकी जिनका धान नहीं बिका है, नहीं खरीदा गया है, उनको कब तक 2500 रुपए? देखिए पिछले वर्ष दिया है, अब तो आप डबल इंजन की सरकार हो गए हैं, इस तरह के नतीजे इस वर्ष भी देंगे। और देखिए अभी जितना समर्थन मूल्य दिया जा रहा है बचा हुआ भी दूसरे फॉर्म में उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, ये भूपेश बघेल जी सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं, मुख्यमंत्री की घोषणा पत्थर की लकीर होती है, इसमें चलिए ठीक है राकेश जी, बस समय समाप्त हो रहा है, मनोज सिंह बघेल जी से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, मनोज बघेल जी एक पूरे ओवरऑल जो है एक आपका कमेंट छोटा सा। देखिए निश्चित तौर पर पिछले विधानसभा की तुलना में देखें तो भाजपा का प्रदर्शन सुधरा है, और जैसा कि डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और बेहतर सामंजस्य के साथ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बेहतर सामंजस्य के साथ आम जनता के हितों के लिए काम किया जाना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से भाजपा में हताशा दिख रही थी वो अब हताशा से बाहर आए होंगे, क्योंकि काफी टफ फाइट दिया इस पूरे चुनाव में, चाहे नगर निगमों में देखें, नगर पालिका, नगर पंचायत, सभी जगह बहुत फाइट दिया है, ये अलग बात है कि नतीजे उस तरह से नहीं आ पाए। लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहती हूँ बघेल साहब, मैं दो लाइन की बात बताऊं कि कल अगर ये परिणाम जो भी आते हैं और चार दिन के अंदर जिस दिन भी नगर निगम आपके बन जाएंगे, मतलब बनेगा कांग्रेस के, तो भूपेश जी बघेल जी की भले वो 35 से और 34 का आंकड़ा है,
लेकिन 10 का 10 प्रेजेंट किया जाएगा यहाँ से लेकर दिल्ली तक, भूपेश जी के नेतृत्व में 10 के 10 नगर निगम जो है कांग्रेस ने बना ली, चाहे भले उसमें निर्दलियों का सहयोग हो या बीजेपी का भी कुछ सहयोग जो भी हो, लेकिन सबसे पहला जो मुहर लगेगी, बाकी नगर परिषद नगर पालिका तो बाद में जाएगी, लेकिन 10 के 10 नगर निगम हमने जीता है और 10 के 10 मेयर हमारे हैं, हो सकता है उनको दिल्ली ले जाके परेड भी कराई जाए। समय समाप्त हो गया है और हमको प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा। अवधेश जैन जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। राकेश गुप्ता जी आपका बहुत धन्यवाद। मनोज सिंह बघेल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और